दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान में जो मोटरसाइकिल चल रही हैं वो तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर तक पर लीटर पेट्रोल जो है वो एवरेज देती हैं। तकरीबन एक महीना हो गया होगा मेरी मोटरसाइकिल तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर तक एवरेज दे रही थी। तो मैं परेशान हो गया कि डायरेक्ट 65 से 45 तक आ जाना, मतलब 20 किलोमीटर कम। तो मैंने अपने मिस्त्री को गाड़ी दिखाई, उसको कहा कि इसकी सेटिंग कर लो। उसने कुछ ना कुछ सेटिंग की। 2 दिन के बाद वही प्रॉब्लम मैंने महसूस की। फिर उसके पास अपनी बाइक को लेके गया, उसको कहा कि यार ये मसला हल नहीं हो रहा। उसने कहा कि जो इस सिटी के सबसे बड़े कारीगर हैं जायद साहब, आप उसको बाइक को दिखा लें। मैं उसके पास गया, उसको सारी कहानी सुनाई। तो उसने अपने लड़के को कहा के पेचकस लेके आओ। उस पेचकस से एक पेच खोला और कुछ ना कुछ सफाई की और उसको बंद करके मुझे कहा कि आप अब जा सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। मैंने पैसों का पूछा, उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो मैं घर चला आ गया और 15-20 दिन में गाड़ी चलाई तो मुझे फ़र्क महसूस होने लगा। तकरीबन वही 65 से 70 किलोमीटर मुझे गाड़ी की एवरेज मिल रही थी। तो मैं उसका शुक्रिया अदा करने उसके दुकान पर पहुंचा और उससे कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये तो बताओ कि गाड़ी में कौन सा फॉल्ट था जिसकी वजह से इतनी 20 किलोमीटर तक एवरेज कम गाड़ी दे रही थी मुझे। तो उसने कहा कि इसमें कार्बन आ गया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं सोच रहा था कि सिर्फ कार्बन की वजह से 20 किलोमीटर की कम एवरेज आना बाइक की, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सेम ही हमारे दिल की हालत है। हमारे दिल के ऊपर जब जंग चला जाता है, ऊपर जंग लग जाता है, हमारे दिल के ऊपर जब ये कार्बन आ जाता है तो हमें नेकी करना हमारे ऊपर मुश्किल हो जाता है। हम नेकी नहीं कर पाते, नेकी का काम नहीं कर पाते। हम सारा दिन फिर वही गुनाह करते हैं लेकिन हमें दुख नहीं होता। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा बताया है, इसका तरीक़ेकार बताया है इस जंग को ख़त्म करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ो, इससे आपकी दिलों का जो जंग होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आ गई तो प्लीज़ दूसरों से शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके।